यूजीसी नुआ गाइडलाइन परीक्षा और नामलेखा पाई जारी है नुआ मार्गदर्शिका। महामारी को दृष्टि रखी शिक्षा वर्ष उपरे निर्देशावली अगस्त 31 सुधा शेष हेब 2020 और 2021 शिक्षा वर्षर यूजी पिजी अंतिम वर्ष परीक्षा ऑफलाइन है कि ऑनलाइन किंबा मिश्रित भावे परीक्षा शेष करने को यूजीसी नुआ गाइडलाइन। मध्यवर्ती सेमिस्टार परीक्षा गुड़िक 2020 निर्देशावली अनुजाई पूर्व सेमिस्टार मूल्यांकन आधार रे हेबो। सेहीपरि सेप्टेम्बर 30 सुधा नामलेखा प्रक्रिया सरब। अक्टोबर 31 तारीख सुधा बड़का सीट पर नामलेखा शेष कर अक्टोबर 1 रु शिक्षा वर्ष पाठपढ़ा आरंभ पर निर्देश जारी हो तेज नामलेखा प्रक्रिया सीबीएसई आईसीएसई और राज्य बोर्ड परीक्षाफल घोषणा पर ही आरंभ हो। आमे भी चाहूँ आम सेकेंड इयर पिलामानंकर अल्टरनेटिव वे रे सेप्टेम्बर सुधा एग्जामिनेशन करा जाऊ एंड एबे न्यूली जो माने एडमिशन करिवे सेटिक को आखि आगे रखा है कि ही एडमिशन नकर करा जिवो एंड से माने डॉक्यूमेंट फिजिकली आसी सबमिट करिवे एंड नेक्स्ट स्टेप चाहो सब रहिवो ऑनलाइन मोड रे ही हबो एंड आमे खाली एतिक चाहूँ जे आम सेकेंड इयर पिलामानंकर जे जल्दी हबो से अल्टरनेटिव वे रे एग्जामिनेशन करा जाऊ। आमे त प्रस्तुत छ परीक्षा करिया पई परीक्षा करिया पई आपनकर क्वेश्चन पेपर तैयारी करिबा सेंटर रेडी करिबा एवं आम एथर नुआ कथा करछु मेंटरिंग सिस्टम करिछु जे सब पिला परीक्षा देई परिवे तेणु ओडिशा सरकार आगुरु प्रस्तुत अच्छी ये जिते सब वाइस चांसलर हूँ प्रिंसिपाल हूँ लेक्चर मान हूँ समस्त धन्यवाद देवी समस्ते बहुत सुंदर पदक्षेप आगुआ नहीं सबड़े नामलेखा पर्यंत कोनोसी समस्या हेबो नाही बोली विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष कहिछंती। तेब आगक जेहेतु तृतीय लहर संभावना रही तेणु छात्र छात्री माने डॉक्यूमेंट जांच करने को आसिले संक्रमण भय रही आशंका उपजुची। फिजिकल वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट मानक हम पिला को आसवाक पड़ो से जब तृतीय लहर आसी जाइए गोटे बड़ चैलेंज हो पाए तापर यूजीसी निर्देशालय कहते ऑनलाइन ऑफलाइन और ब्लेंडेड मोड में परीक्षा हम तेणु परीक्षा पर समस्या हेनी रिजल्ट बाहर करने ओडिशा कथा मुझे आउ कि राज्य जो मैंने प्रस्तुत होना द्वंद्व भितर अच्छा से समस्या सम्मुखीन हे। उच्चशिक्षा प्रतिष्ठान गुड़िक क्लास ब्रेक परीक्षा परिचालना गुड़िक ऑफलाइन ऑनलाइन किंबा मिश्रित मोड रे शिक्षा दान करिपारिबे बोली यूजीसी गाइडलाइन रे स्पष्ट होइछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सुमंत सतरूपा सामंतराय रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।